12 बज गए। चुप रहो तुम लोग, मैं डर रहा हूँ क्या? तुम लोग बिना वजह डर रहे हो? बेटा रात को जब आत्माएं चलती है तो सिर्फ कुत्ते को दिखाई देती है। कौन है? आवाज तो ठीक से निकालो। हाँ से निकालो। कहाँ से निकालोगे? गले से। तुम अपने गले से निकालो। कौन है? क्या चाहती हो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो तो हम जा ही रहे थे। नहीं, मैंने सब सुन लिया था कि तुम लोग हमारी कोठी की मालिक बनना चाहते हो। अगर कल तक तुमने ये घर नहीं छोड़ा तो कल रात को मैं वापस आऊंगी और तुम्हें हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बना दूंगी। मेंढक बना के कुएं में डाल दूंगी। तुम लोग अभी तक सोए नहीं? आंटी, आप लोग अभी तक सोए नहीं? क्या मेरे बहन की आत्मा आई थी? हाँ, माँ आई थी। मुझे शक था कि वो आएगी, कि जब वो किसी से गुस्सा होती है तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो उसे सजा ना दे दे। वो कह रही थी कि कल रात को फिर आएगी, अगर हमने ये घर नहीं छोड़ा तो हमें मेंढक बना देगी। वो जो कहती है वो करती है। अगर आपको मेंढक बनके उस पुराने मेंढक को कंपनी देनी है या वापस पटना जाना है? पटना जाना है। पटना जाना है। पटना जाना है। पटना जाना है। ठीक है, आप लोग सो जाओ। बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। नीलम पुत्र, वो इतना सारा सामान लेकर के आप पंजाब घूमने निकल रहे? चौधरी जी, हम पंजाब घूमने नहीं, पंजाब छोड़कर जा रहे हैं। ओ, पंजाब ने क्या गलती कर दी जो आप अचानक ही निकलने लगे? चौधरी जी, घर की बहुत याद आ रही थी और बच्चों का स्कूल भी तो है ना चौधरी साहब। अब देखिए, अब अचानक ही निकल रहे हैं तो एक दो दिन और रुक जाइए आप, मैं आप लोगों का रिजर्वेशन करवा देता हूँ। एक दो दिन तो क्या, हमें आज रात से पहले यहाँ से निकलना ही है। क्यों नीलम आंटी, ऐसा क्या हो गया कि आज रात के रात आपको जाना है? सब ठीक है ना? अब जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है जी, जाने वाले को कौन रोक सकता है। लेकिन सुनिए तो, खाना मैंने बनाया आपके लिए बिल्कुल उसी दिन की तरह। बैंगन भरता बनाया है ना? थैंक यू जी। सामान उठाइए, हम लोग चलते हैं। लागू चौधरी जी। अरे हाँ, अब पहला लागू चौधरी जी, अब फिर आना, आपका अपना ही घर है। हाँ आंटी, फिर आना। कुकी, हमारा सामान बाहर तक तो छोड़ दो। कुकी, सामान लेके छोड़ दो जल्दी से। चलो बेटा, बंसो तुम भी एक बैग उठा दो।